सुनिए भैया, देखिए मैं वीरभद्र सिंह जी का भाषण सुन रहा था। कितने बार चीफ मिनिस्टर बने हैं? छह बार बने हैं, छह बार बने हैं ना। एज क्या है वीरभद्र सिंह जी की? और उन्होंने भाषण में बोला कि गलती से सीखना चाहिए। छह बार चीफ मिनिस्टर और इतनी ह्यूमिलिटी है कि गलती से सीखना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए, अब दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी की ओर देखिए। यहां आए, अलग अलग वायदे किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच था या झूठ? झूठ। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा, सच था या झूठ? हाटी समाज की मदद करूंगा, सच था या झूठ? नरेंद्र मोदी जी 5 साल से प्रधानमंत्री हैं, एक बार प्रधानमंत्री बने हैं, यहां पे 6 बार वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। वीरभद्र सिंह जी समझ सकते हैं कि इंसान गलती करता है, गलती हो जाती है। और वीरभद्र सिंह जी, मैं स्टेज पे सारे नेता कांग्रेस पार्टी के लोग गलती से सीखते हैं। नरेंद्र मोदी गलती से सीखना छोड़ो, वो तो पहचानते ही नहीं है कि गलती हुई है। देखिए पूरा देश, और सुनते नहीं है, पूरा देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपने नोटबंदी में भयंकर गलती की। देश कह रहा है, पता नहीं आपने जानबूझ के किया, अदानी जी की अंबानी जी की मदद करने के लिए किया, या आपने किसी और कारण किया, मगर मोदी जी गलती हुई है। जनता कह रही है, शिमला के दुकानदार कह रहे हैं, जो सेब उगाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपने पूरे हिंदुस्तान को जबरदस्त चोट मारी। दर्द हुआ हमें, दुकानें बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो गई। 2-3 साल हो गए, मगर नरेंद्र मोदी जी आपने देश को यह नहीं बोला कि हां नोटबंदी में, गब्बर सिंह टैक्स में मैंने गलती की। अगर व्यक्ति अपनी गलती को नहीं पहचानता है तो वो सीख ही नहीं सकता है। अब देखिए हालत, देखिए पहले यहां आए, कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। लिस्ट थी उनके पास, पढ़ पढ़ के उन्होंने बोल दिया, झूठ बोला, करने के बारे में नहीं सोचा, बस कहा भाई चुनाव जीतना है, मैं शिमला में जाके कुछ बोलूंगा, चंडीगढ़ में कुछ और बोल दूंगा, कर्नाटक में कुछ और बोल दूंगा, असम में कुछ और बोल दूंगा, जो भी जनता सुनना चाहती है बोल दूंगा, बाद में देखेंगे। 5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, किसान की बात नहीं कर सकते, 15 लाख की बात नहीं कर सकते। आप उनके भाषण सुनिए। इस बार आए, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात की, कहा उन्होंने कि भाई मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा, पिछली बार कहा था, नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी आजकल भाषण में कुछ कह ही नहीं सकते। आज टीवी पे इंटरव्यू होता है, सवाल उनको दिए जाते हैं,
नरेंद्र मोदी पढ़ के सवाल का जवाब देते हैं। देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान के हर कोने में युवा चला रहा है, भैया हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं आम पेड़ पे चढ़कर उतार के खाता हूं। सोचिए, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, सूटकेस में कम जगह थी, नया आइडिया आया, मैंने कुर्ता काट दिया, सूटकेस में आसानी से जाता है। मतलब कौन सी दुनिया में है, कौन सी दुनिया में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। कहते हैं कि बालाकोट पर अटैक हो रहा था, वायुसेना के लोग आए, मुझे कहते हैं मौसम खराब है, इसको डिले करना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री में कितना ज्ञान है, देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कितनी समझ है। एयरफोर्स के लोगों को कहा घबराओ मत, बादलों से हमें फायदा मिलेगा, रेडार रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा। और फिर कहते हैं कि मैंने ये वायु सेना के लोगों को समझाया, मतलब जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को समझ है, उनकी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री, अपनी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी, जब ऐसे बादल आते हैं तो क्या एयर इंडिया के हवाई जहाज, इंडिगो के हवाई जहाज, जेट एयरवेज के हवाई जहाज सब गायब हो जाते हैं क्या? मतलब समझ ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, सच्चाई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है और इस बात को 5 साल के लिए छुपा के रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं हर 2 दिन प्रेस वालों से मिलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। मुझसे कहते हैं भैया रोजगार के बारे में बताइए, किसानों के बारे में बताइए, न्याय योजना के बारे में बताइए। उनसे कहते हैं आम आप कैसे खाते हो, मोदी जी आप कुर्ता कैसे पहनते हो, मोदी जी रेडार के बारे में बताइए, बादलों के बारे में बताइए, मोदी जी डिजिटल कैमरा के बारे में बताइए, मोदी जी आपने आपने इंटरनेट जो बनाया, जो आपने पहला डिजिटल कैमरा यूज किया, अडवाणी जी की जो फोटो ली आपने, डिजिटल कैमरा बनने से पहले जो आपने ली उसके बारे में बताइए अडवाणी जी। मोदी जी मुझसे कहेंगे न्याय योजना में पैसा कहां से आएगा, किसानों को आप सही काम दाम कैसे दोगे। आपने देखा, देखिए हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, ये देखो वो देखो हंस रहा है, छुपो मत भैया आगे आओ आगे आओ, ये देखो हंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को रास्ता दिखाया, 70 साल से चला रहा है आरबीआई में, मतलब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक नॉलेज है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो ज्ञान है पूरा का पूरा उसमें भरा है, लिस्ट है वहां पे। उनसे नहीं पूछा, नोटबंदी कर दी। पता नहीं मालूम है नहीं मालूम आपको, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेस कोर्स रोड में ताले से बंद किया था। सच्चाई है। एसपीजी वाले मेरी भी सिक्योरिटी करते हैं, इन्होंने बताया मुझे कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले अपने पूरे कैबिनेट को ताले से बंद किया। आप सोचिए
हिंदुस्तान अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पारिकर एक्सपीरियंस है, अब विचारधारा में अलग है, हम लड़ते हैं हराएंगे, मगर एक्सपीरियंस है, अडवाणी जी एक्सपीरियंस है। मैं इनसे गले क्यों मिलता हूं? जब भी मैं वीरभद्र सिंह जी से मिलता हूं, आप पूछिए उनसे, मैं गले मिलता हूं। गले क्यों मिलता हूं? क्योंकि एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, रिकॉर्ड है इनका, इस प्रदेश को रास्ता दिखाया है, सालों रास्ता दिखाया है। उधर गले मिलना छोड़ो, अडवाणी जी के और तो देखते भी नहीं है, मतलब यूं ये कौन है भाई, ये कौन है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? अरे मोदी जी, इन्होंने आपको सिखाया, ये आपके गुरु हैं, घूमिए, इनको धन्यवाद करिए, इनका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखिए। मगर नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। अरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने क्या किया, बेंगलोर के लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी से पहले तो सब सो रहे थे, मैं आया तो हिंदुस्तान जगा। आप याद रखिए, पुलवामा में अटैक हुआ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने कहा देखिए सीआरपीएफ के युवा शहीद हुए हैं, यह राजनीतिक मामला नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन, 99% नहीं, 99.99% समर्थन हिंदुस्तान की सरकार को, सीआरपीएफ के युवाओं को, हिंदुस्तान की सेना को, और हम इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैं आपको बंबई के हमले की याद दिलाना चाहता हूं, ताज होटल में आतंकवादी हिंदुस्तान के लोगों को गोली मार रहे थे, हमला चल रहा था, और बाहर नरेंद्र मोदी माइक लिए यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अंदर गोली चल रही है और बाहर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की लोगों का खून का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इस बात को देखा? आमतौर से मैं कहता नहीं हूं, आज मैंने सोचा शहीदों के घर आया हूं, आपके यहां आया हूं, थोड़ा तो जिस दिल में जो बात है थोड़ी कह देता हूं। आपके लिए क्या किया? मेड इन इंडिया ना, मेड इन इंडिया कहा था, क्या हिंदुस्तान का सेब मेड इन इंडिया नहीं है क्या? मेड इन चाइना है क्या? ₹5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ किया है। मैं जहां भी जाता हूं कहता हूं किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करते? आप सोचिए 35,000 करोड़ रुपए में साल का मनरेगा चल जाता है, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी ने दिया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए राफेल मामले में चोरी करके दिया, 45,000 करोड़ रुपए उसका कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां जो सेब उगाते हैं, आपका नरेंद्र मोदी ने कितना कर्जा माफ किया? जो यहां छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, आपका कितना कर्जा माफ किया? 15 लोगों का 5,55,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपसे कहते हैं भैया आप जानो, आपका काम जाने, हमें चाइना का सेब लाना है हिंदुस्तान में, अदानी जी को फायदा पहुंचाना है, ठीक है वायदा किया था, वो 5 साल पहले की बात है, जुमला था, अब आप चाइना का सेब खाओ, हिमाचल में पकौड़े तलो और चाइना का सेब खाओ,
कहा था टमाटो पेस्ट की फैक्ट्री लगेगी, टमाटो पेस्ट की फैक्ट्री लगेगी, टमाटो केचप की फैक्ट्री लगी, लगेगी लगी,